नमस्कार दोस्तों, ऋषि की रसोई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अनुराग। आज जो रेसिपी मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं वो एक डेजर्ट है और एक प्रसाद भी है। आज हम बनाने वाले हैं मीठी बूंदी। तो मीठी बूंदी को आज हम बनाने वाले हैं और उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके सामने है। ये मेरे पास बेसन है, ये तेल है, ये मेरे पास भूरा शुगर है और वो हमारे पास कलर है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम हमारी मीठी बूंदी को तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मीठी बूंदी की ये रेसिपी। सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे हमारा बेसन और ये बेसन मैं इसमें डाल दूंगा और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और फिर हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखें लम्स ना पड़े। तो हमने हमारा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ ऐसी है, देखिए आप। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा 2 टेबल स्पून्स के समथिंग ऑयल। ऑयल भी हमने इसमें डाल दिया है और अच्छे से हम यूँ मिला लेंगे। इससे ये बहुत ही अच्छी निकल कर आती है जब हम इसे छानेंगे। तो ये जो है हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। चलिए बूंदी बनाने की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेरे पास एक सॉस पैन है, इसमें मैंने 1.25 गिलास पानी ले लिया है और इसमें मैं एक कटोरी हमारी जो शुगर है उसे डाल दूंगा, यानी कि जो हमारी पाउडर्ड शुगर है उसे मैं इसमें डाल दूंगा और इसे हम अच्छे से यूं मिला लेंगे। और हम हमारी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। देखिए हमारी चाशनी कितने अच्छे से उबल रही है और यहीं पर मैं इसमें डाल दूंगा कुछ नींबू के जूस की ये बूंदें, यानी कि लेमन जूस मैं इसमें डाल दूंगा। इससे इसकी पूरी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और ये बहुत ही अच्छे से निकल कर आती है। हमारी चाशनी अच्छे से उबल रही है, इसी दौर में मैं इसमें ऐड कर दूंगा थोड़ा सा हमारा फूड कलर। तो ये मैं इसमें डाल दूंगा। वैसे मैं फूड कलर यूज़ करने की सलाह नहीं देता हूँ, बट यहाँ पर हम बिल्कुल मार्केट जैसा बना रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार हो रही है तब तक मैं ये जो मैंने अलग साइड में रख दिया था हमारा बैटर, उसमें से थोड़ा सा फूड कलर उसमें भी ऐड कर दूंगा और उसे भी यूँ अच्छे से मिला लूँगा। और हमारी जो चाशनी है वो अभी बनकर अच्छे से तैयार हो रही है। तो बूंदी को बनाने के लिए हम जिन दो चीज़ों का यूज़ करेंगे वो आपके सामने हैं। इससे मैं बूंदी को छानूंगा और इससे मैं बूंदी का जो बैटर है उसको लूंगा। तो बनाने की प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमें इन दो चीज़ों को चाहिए बस बूंदी को बनाने के लिए और ये सबके घर में आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए हमारी चाशनी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। इसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार उबाला है। जब तक मेरी चाशनी बनकर तैयार हो रही थी तब तक मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम ऐसे एक बूंद डालकर देखेंगे और अगर ये ऊपर आती है तो समझ लीजिए बूंदी बिल्कुल तैयार होने के लिए रेडी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं बूंदी। तो वो जो मेरे पास करछी है उसे मैं लूँगा और यूँ रखूँगा और उस पर यूँ हम डाल देंगे। और हमारा जो तेल है वो बहुत अच्छा गर्म है तो हमें जल्दी इसे निकालना है क्योंकि तेल जो है वो बहुत अच्छा गर्म है। तो हमारी बूंदी जो है वो तैयार हो चुकी है, तेल बहुत अच्छा गर्म है, हमें तो इसे तुरंत निकाल देना है। मैं आपको एक और बैच निकाल के दिखाऊंगा। यूं हम इस पर रखेंगे और ऐसे यूं हम चला देंगे, देखिए आप। और हमारी जो बूंदी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए हमने बूंदी को तेल में छान लिया है और ये कितनी अच्छी निकल कर आई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा सीरा, यानी कि जो हमारी चाशनी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से यूं मिला देंगे। थोड़ा सा और ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से उसे पी ले
और बिल्कुल मार्केट टाइप निकल कर बाहर आए। और अभी हम इसे हाफ एन आवर आधा घंटा के लिए यूं ही छोड़ देंगे तो ये अच्छे से इसको पी लेगी और बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हो जाएगी। ओए होए, तो हमें आधा घंटा हो चुका है और बिल्कुल मार्केट के जैसी देखिए बूंदी बनकर तैयार हो चुकी है। हाँ, जो चाशनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा तैयार हो गई थी, तो वो मैंने इसलिए ज़्यादा तैयार कर ली थी, मुझे लगा कहीं बूंदी ज़्यादा ना हो। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं और भी ऐसे कुकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू।